मतलब यहाँ पे ना मैंने अपना स्किन केयर कंप्लीट करने के बाद ना मैंने अपना मतलब बेस लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये बेस मैं आपको लास्ट अपनी वो रेड जो मैंने आई शेडो मेकअप किया था उसमें मैंने ये बेस भी आपको बताया था। ठीक है, अदरवाइज़ लिंक होगा तो मैं ज़रूर डाल दूँगी, तो आप डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, तो भाई साहब इसका कवरेज बहुत ही अच्छा है। तो बस मैं जो है जो अन ईवन टोन मेरा जो नेक वाला एरिया है उसको भी मैं इसको कवर कर रही हूँ, पूरा ईवन कर रही हूँ। आप देख लो पहले और अब में कितना फ़र्क है। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैं अपना पाउडर कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ ब्रश से, और उसके बाद आपको अच्छे से मतलब अपने नेक एरिया वगैरह पे, अपने ईयर्स जो अपने कान के पास के एरिया हैं उन सब पे अपना कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद आती है कॉन्टोरिंग की बारी, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग। और वैसे मैं बताऊँ तो सीरियसली मैं पर्सनली कॉन्टोरिंग तो बहुत अवॉइड करती हूँ, या फिर मैं बहुत ही लाइट करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे फेस पे कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है। बट अगर आपका फेस थोड़ा सा मतलब गोल मटोल सा है, हैवी है, तो मैं आपको प्लीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप कॉन्टोरिंग करें, क्योंकि वैसे शार्प लगता है तो अच्छा लगता है। और मैं ना नोज़ पे, क्योंकि मेरी नोज़ ऑलरेडी शार्प है, तो मैं नोज़ पे भी बहुत लाइट करती हूँ। ठीक है, तो देख लो, नहीं तो इतना फ़र्क नहीं आएगा आपको नज़र। और मैंने यहाँ पे अपनी कॉन्टोरिंग कंप्लीट कर ली है। उसके बाद मैं है ना यहाँ पे अपना भर भर के ब्लश लगा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है यार मेरे को ना ब्लश बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब पूरे मेकअप में मेरे को अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो है ब्लश। और मैं ये जो ब्लश यूज़ कर रही हूँ ना, ये स्विस ब्यूटी का है। और मतलब मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर सब मैंशन कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और ये हाईलाइटर भी स्विस ब्यूटी का ही है। मैं प्रोडक्ट बताई क्यों रही हूँ, मैं नीचे मैंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पे अपना कॉन्टोरिंग ब्लश और हाइलाइटिंग कर दिया है, और मैं ये स्मॉल ब्रश से, ठीक है, अपनी क्रीज लाइन पे लाइट एकदम लाइट ब्राउन शेड जो है उससे अप्लाई कर रही हूँ। इसी के ऊपर मैं कर रही हूँ, ये थोड़ा सा महरूम शेड होता है ना, इससे मैंने अपनी क्रीज लाइन को अच्छे से डार्क कर लिया है। और ये हाँ, मैंने बीच में ना कोई भी आप हाईलाइटर या शिमरी गोल्डन या पिंकिश शेड को फिल कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे ब्लैक आई शेडो से मतलब लाइनर को अवॉइड करते हुए लाइनर की जगह मैंने ब्लैक आई शेडो से स्मच कर लिया है। और नीचे भी मैंने ब्राउन शेड जो यूज़ किया था ना, और मरूम शेड वो मैंने अप्लाई कर लिया है। और इनर आईज़ में मैंने ना ग्रीन शेड ना, जो थोड़ा सा पैरेट ग्रीन शेड होता है, वो मैंने अप्लाई करा है। सेम वही ग्रीन शेड ना मैंने ना अपनी जो ब्लैक आई शेडो से अपने लाइनर की जगह पे स्मच किया था ना, वहीं पे मैंने उस पर ग्रीन मतलब थोड़ा सा टचअप दे दिया है। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने श्रृंगार में, मैंने ना चेंज कर लिया है फटाफट, क्योंकि बच्चों का टाइम भी होने वाला था। और यहाँ पे मतलब मैं एक बात पर्सनली मैं आपसे अगर शेयर करूँ, जब भी आप सिंदूर लगाएं तो मतलब माँ पार्वती का नाम ज़रूर लें, माँ भगवती का नाम ज़रूर लें। मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मैंने भी किसी से सुना था, शुभ होता है। ठीक है, तो मैं किस तरीके से मैंने अपना बन बनाया अभी आप देख लो। बाद में ना मैंने इसको एक पॉइंटल में मतलब कर दिया था, क्योंकि लूज़ हो रहा था थोड़ा सा और पिन मुझे मिल नहीं रहा था, फिर बाद में मिल गया था। तो इस तरीके से आप आगे से अपने बाल निकाल के और साइड से ना बॉबी पिन से टैक कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को तो थोड़ी देर के लिए रखना था। और कैसा लगा मेरा लुक गाइज, मैं हो गई एकदम रेडी और मैंने पहनी है साड़ी। आप लोगों को अगर ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और शेयर कर दिया करो, सबसे बड़ी बात तो शेयर कर दिया करो। ठीक है, और यही मेकअप लुक बहुत ही चंद मिनटों में, मतलब मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको ये मतलब आई लुक करने में। ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, और शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। ठीक है, स्टेटस पे लगाओ यार जाके शेयर के लिए। ठीक है, तो बाय।